हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम और दिल से स्वागत। भाई आज का व्लॉग यहाँ से करेंगे शुरू, क्योंकि कल तो हमने J&K को किया था बाय बाय, क्योंकि J&K हमने ख़त्म किया था। हम हो गए थे एंटर पंजाब में, क्योंकि बहुत देर हो गया था, लेट भी हो गया था बहुत, क्योंकि हमारी और एक गाड़ी पीछे ही रह गई थी, उसकी वजह से हमको बहुत लेट हो गया। क्योंकि हम फिर चले कंटिन्यू पहुँच गए इधर राजपुरा में पहुंच गए रात के 1 बजे, फिर नहीं 1 बजे नहीं, रात के बराबर 3 बजे पहुंचे राजपुर, फिर किया काम, फिर उधर ही सो गए हम राजपुरा में। अभी उठ गए, अभी हम इस ढाबे पे हैं, किस किस को पता होगा तो वो बताए, मुल्तानी ढाबे पे हैं हम। अभी हमने अभी नहाया वहाया धोया, अब करेंगे काम, अब यहाँ से निकलेंगे सीधा अपनी मंजिल की तरफ। चलो भाई यहाँ से निकल कर फिर करेंगे काम। यहाँ पे है ना, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी गाड़ियाँ हैं, सब अभी फ्रेश ही हो रहे हैं, थोड़ी कश्मीरी गाड़ियाँ हैं। मगर इस ढाबे पे होती ना सबसे ज़्यादा कश्मीरी गाड़ी होती थी, अभी तो इस ढाबे पे कम ही है। चलो भाई करेंगे फिर काम हम इधर से। राजा भाई को मैं वेट कर रहा हूँ, मैं तो फ्रेश हो गया, मैंने कपड़े वपड़े सब चेंज किए, अब मैं राजा भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि हम निकलेंगे यहाँ से जल्दी जल्दी, फिर गर्मी भी बढ़ जाती है। अभी सुबह का ही टाइम है, अभी सुबह के बज गए 8:30 बज गए। अब करेंगे काम, अब यहाँ से निकल कर जाएंगे सीधा अपनी मंजिल की तरफ। चलो भाई फिर करेंगे आपसे फिर बात आगे जब यहाँ से हम निकलेंगे। चलो भाई वहाँ से तो निकल कर आ गए, बज गए 10 अभी दिन के, अभी चल रहे हम बिल्कुल है हम राजपुरा के नज़दीक, जो राजपुरा सिटी है ना उसके नज़दीक है। और राजा भाई कर रहा है अपनी ड्राइव कंटिन्यू, और हमने कूलर को पानी डाल के अब कंटिन्यू स्टार्ट ही रखा, क्योंकि इसमें इससे गाड़ी में थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना राजा भाई। हाँ, इससे गाड़ी में ठंडी हो जाती। चलो भाई हम भी अपनी ड्राइव कंटिन्यू रखेंगे। ये थोड़ा सा बाहर का व्यू पंजाब का, ये आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है बाहर का। चलो भाई हम करेंगे काम, हम अब चलेंगे हम कंटिन्यू, हमने भी कपड़े वपड़े देंगे और समय। और इसमें पता है क्या रखा हमने, पानी भर के रखा है, क्योंकि कूलर को पानी कम हो जाता है, उसकी वजह से हम फिर इसी से पानी डालते हैं इसमें। वो है उसमें ये टावर रखी है, ये भाई चला रहा है गाड़ी, अब चल रहे कंटिन्यू। अभी हम पहुंचेंगे आगे, फिर आगे भी हमको थोड़ा सा रुकना है, रुकेंगे हम धीरे धीरे ही चलेंगे, क्योंकि नो एंट्री का माल है ना, जो हमें तो रात को घुसना है उधर, हम शाम को आराम से पहुंच जाएंगे, शाम तक आराम से पहुंचेंगे। ये आप देख सकते हो बिल्कुल, आपको मैं जूम करके लाऊंगा ये बोर्ड, ये पढ़ सकते हो आप, ये देखो ये बोर्ड 114 किलोमीटर करनाल 114 किलोमीटर। चलो भाई करेंगे अपनी ड्राइव हम कंटिन्यू, आगे चलना है यही 20-25 किलोमीटर, फिर रुकेंगे, फिर साइड में रखेंगे छाए में कई जगह, फिर बैठेंगे उधर ही, क्योंकि 1-2 बजे तक बैठेंगे, 3 बजे तक, फिर 3 बजे हम सलप मारेंगे गाड़ी को, है ना भाई। फिर कंटिन्यू रखेंगे सफर और पहुंचेंगे रात तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अपनी ड्राइव कंटिन्यू रहेगी, फिर आपको भी दिखाएंगे जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ आपको दिखाएंगे हम कहाँ पहुँचे हैं। चलो भाई फिर मिलेंगे आपसे आगे। चलो भाई पहुंचे तो अब एंटर हो गए हरियाणा में, अभी पहुंचे, टोल तो हमने क्रॉस कर लिया है, जो पंजाब बॉर्डर का पड़ता है टोल, जो ऊपर का वाला रास्ता है ना ये नया बन गया एक्सप्रेस वे, ये नया बन गया, आप बोर्ड देख सकते हो, चंडीगढ़ इस साइड से, केथल भी इस साइड से, अम्बाला सीधा, दिल्ली सीधा, और चल रहे हैं हम कंटिन्यू। अभी राजा भाई चला रहा है गाड़ी कंटिन्यू, अभी हम जाएंगे कंटिन्यू। अब यहाँ से चलना है बिल्कुल ध्यान से, इधर से स्पीड की भी लिमिट होती है, क्योंकि इधर से ज़्यादा स्पीड वाले बैठे होते हैं, क्योंकि जो स्पीड गाड़ियों की चल करते हैं, क्योंकि 50 किलोमीटर हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि आगे जो है ना कार लगी होती है, वो भी दिखाऊंगा कहाँ वो कार लगी होती है, वो आगे पुल के पास लगी होती है, वो स्पीड चेक करते, फिर उसके आगे होता है नाका एक और, क्योंकि जिस गाड़ी को ज़्यादा स्पीड होती है ना उस गाड़ी को पकड़ते हैं वो, फिर एक मशीन होती है, मशीन के हिसाब से वो गाड़ी को लगाते हैं, ऐसी मशीन दूर से तो दिखाता है इसकी स्पीड क्या है। चलो भाई आपको भी दिखाएंगे, आपको भी बोर्ड दिख रहे होंगे हम कहाँ पहुँचे कहाँ हैं इस टाइम।
चलो भाई अब करेंगे काम, अब चलेंगे हम कंटिन्यू, आपको वो भी दिखाएंगे जहाँ वो लगे होते हैं ना, वो जहाँ पे पुलिस वाले बैठे होते हैं, जहाँ वो स्पीड चेक करते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको ज़रूर। क्योंकि जो भी इस रोड पे आए ना, ध्यान से चलाया करो गाड़ी, क्योंकि चालान आज बहुत भारी पड़ जाता है जिसको चालान हो जाता है, क्योंकि उतनी बचत भी नहीं होती है गाड़ियों में, क्योंकि डीजल भी बहुत महंगा है। चलो भाई हम चलेंगे कंटिन्यू, ये बात ध्यान में रख देना, चालान नहीं करवा देना, अपनी स्पीड लिमिट में रखो और अपने लाइन में चलो। बस इधर तीन लाइन है, राइट वाली लाइन है ना वो छोटी गाड़ियों के लिए, और बस की लाइन है ये जो बीच वाली है ना, ये ट्रक वाली लाइन है, और लेफ्ट साइड वाली है ना ये वो जो ऑटो वाटो चलते हैं उनकी लाइन है। चलो भाई हम चलेंगे, अब हम बिल्कुल अम्बाला के नज़दीक है, बिल्कुल अब थोड़ा सा ही रह गया अम्बाला तक। चलो भाई ये देख सकते हो अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, पुलिस वाले हैं जो नाका लगा के बैठे हैं, ये देखो ये इस गाड़ी में बैठे हुए ये जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, ये स्पीड चेक करते हैं, ये वाली गाड़ी है ये स्पीड चेक करती है, क्योंकि फिर आगे नाका लगा होता है। चलो भाई अब करेंगे काम, अभी पहुँच गए हम जस्ट अम्बाला, अम्बाला से बिल्कुल नज़दीकी है ये 1 किलो, यहाँ से अम्बाला शुरू हो जाता है, यहाँ जो बोर्ड लगा है ना इधर से अम्बाला शुरू हो जाता है, अब अम्बाला शुरू होने लगा है, अब चलेंगे हम कंटिन्यू, अब आगे कहीं पे रुकेंगे देखेंगे, 2-3 बजे रुकेंगे, अभी तो हम चलेंगे आराम आराम से, तब तक कंटिन्यू चलेंगे। चलो भाई फिर आपको भी दिखाएंगे आगो, आगे आगो नहीं आगे दिखाएंगे। भाई पहुंच गए हम अभी पानीपत में, अभी पानीपत में खड़े हैं हम, इधर टोल प्लाजे पे रुके थे 10-20 मिनट, हमको फास्टैग में रिचार्ज डालना था इसकी वजह से हम इधर रुक गए थे, आपको भी दिखाऊंगा। टोल प्लाजा ये रही अपनी गाड़ी, अब इधर रह गए ये पानीपत का टोल प्लाजा, ये रही अपनी गाड़ी इधर रखी है, टायरों में से भी पत्थर वत्थर निकाल कर निकल जाएंगे अब भाई करेंगे काम, अब यहाँ से चलेंगे सीधा, जाना है हमको बहादुरगढ़ तक, चलेंगे सीधा कंटिन्यू, अब रुकेंगे नहीं, जहाँ पे जाना है खाली करना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कल सवेरे खाली हो जाएगा। ये आप बोर्ड देख सकते हो, ये है दिल्ली पानीपत का रोड और सीधा जाता है कश्मीर, टायर भी बहुत गर्म है, ऊपर से गर्मी भी बहुत है हद से भी ज़्यादा। चलो भाई कर रहा है किसी से बातें, ये राजा भाई और ये भाई कर रहा है बातें, इसका अनिकत भाई आया मिलने के लिए, और ये राजा भाई, राजा भाई निकले अब निकले। चलो अब जाएंगे यहाँ से भाई को करेंगे भाई, हाँ भाई चलो भाई, फिर मिलेंगे आपसे ज़रूर। चलो भाई हम भी निकलेंगे, चलो राजा भाई निकले, चलो भाई हम निकलेंगे, हाँ चलो भाई थैंक यू। चलो भाई, और भाई भाई को भी किया भाई, वो भी उसको भी देर हो गया था, वो भाई चल रहा है उधर बाइक पे, धीरे धीरे चल रहा है बाइक, अब राजा भाई दिखा देगा उसको, देखो भाई। चलो भाई 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 भाई, चलो भाई को कर दिया भाई, अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा आगे, तो आगे देखेंगे आप इफ्तियारी का इंतजाम करेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, 4 तो बज गए, आप करेंगे इफ्तियारी का इंतजाम पहले से ही, रात को आज घुसना है और कल खाली करना है, खाली रोड करके, हाँ चलो जी। बाकी हवे का व्यू आप देख ही सकते हो, अभी पहुंच गए पानीपत, पानीपत बस चल रहे हैं टोल क्रॉस करके, अभी
चलेंगे। और इसको मीटिंग भी लानी है आज, और इसको मीटिंग और बहुत सारी कामें करनी है, फटों को लाने, दूसरे उनको रंग भी कराना है, दूसरा है ना भाई, दूसरा पट्टा लाना है, क्योंकि उसमें ना गाड़ी में थोड़ा सा सरहद में काम है वो करवाए, थोड़ा काम है, मतलब अपनी तरीके से हम करेंगे। हर कोई मतलब ड्राइवर होता है ना, जिसको अपनी गाड़ी होती है तो वो अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, रखनी है गाड़ी की और क्या करना। हाँ, बात मेंटेनेंस रखेंगे तभी तो इस गाड़ी को टाइम निकलेगा, जब टाइम टाइम पे इसको पहुंचेंगे, टाइम टाइम पे इसको कुछ करेंगे। हाँ, तभी रहेगी, मतलब चार साल होगी, पांच साल होगी, तब भी गाड़ी ऐसी हो जाएगी। मैंने बहुत सारी गाड़ी ऐसी देखी है, मतलब जो मेंटेन खतरनाक करके रखते हैं, जैसे हमारी वो पिछली गाड़ी थी ना, बिल्कुल उसी की तरह, मतलब वो 15 मॉडल गाड़ी थी, अभी भी वो पहले जैसी थी। तो चलो हम भी करते हैं गाड़ी को मेंटेन, ऐसी खींचा के रखेंगे, मिलेंगे आपसे आगे। चलो चलो भाई, ये है फ्लेवर पानीपत का जिसपे हम अभी चढ़े हैं। हम मैं चला रहा हूँ गाड़ी, भाई चला रहा है गाड़ी, अब मैं खुद चला गाड़ी पे, क्योंकि अभी तक तो राजा भाई चला रहा था गाड़ी, अब मैं चढ़ूँगा गाड़ी पे। अब हम चलेंगे सीधा कंटिन्यू, अब नहीं रुकेंगे, अब जाएंगे सीधा। जाना तो यहाँ से थोड़ा ही 60-70-80 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जाना है यहाँ से, मगर क्योंकि जाना तो है, फिर रात को टाइम लग जाता है, ट्रैफिक भी बढ़ जाता है रोड को शाम के टाइम, तो दिक्कत आती है चलाने में गाड़ी, क्योंकि ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इस टाइम तो कम गाड़ियाँ चलती है। चलो भाई दिखा दूंगा आपको ये फ्लेवर। पहुँचे हैं सुमालखा, अब हमने गाड़ी इधर ही रखी है, क्योंकि इधर है ना मस्जिद भी है, क्योंकि हमको इधर से पानी वानी पकड़ना और शाम के लिए कुछ बनाना है। अब हमने सोचा था अब इधर से जाना है हमको 70 किलोमीटर टोटल, जहाँ पे हमको खाली करना है। मैंने इसको बोला हम इधर ही रहेंगे, अब करेंगे काम, अब शाम को निकलेंगे, अभी बजे दिन के 4:30 करेंगे काम, अभी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आगे नो एंट्री भी है, कोई फ़ायदा नहीं है आगे जाने का, क्योंकि आगे फिर जगह हो सकती भी है नहीं भी हो सकती है, इसीलिए हमने गाड़ी इधर ही पुल के नीचे लगाई। ये जो है ना ऊपर ये GT रोड है, वो दिल्ली से कश्मीर से कन्याकुमारी वाले रोड है, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको रोड वही है। चलो भाई हम करेंगे काम, अब हम इधर ही बैठेंगे, अब शाम के 7-8-9 बजे तक, 9 बजे हम इधर से निकलेंगे इंशाल्लाह, फिर जाएंगे सीधा, चलेंगे कंटिन्यू वहाँ तक जहाँ पर हमको अनलोड करना है, क्योंकि आगे भी ये होता है ना, फिर पुलिस वालों का लफड़ा होता है और ट्रैफिक वालों का लफड़ा होता है, उसकी वजह से हम इधर से ही लेट निकलेंगे, इधर से ही लेट निकल गए ना राजा भाई। क्या मैंने बोला इधर से ही लेट निकलेंगे, क्योंकि आगे ट्रैफिक वालों का टेंशन होता है ना, ऊपर से नो एंट्री भी है, आगे जाने का क्या फायदा है, आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। ये आप देख सकते हो, यहाँ से ही हम इफ्तारी करेंगे और फिर निकलेंगे शाम के टाइम आराम से। हाँ, वो बैक कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि पीछे देखते हैं, इससे पता चलता है पीछे कोई गाड़ी मत है कि नहीं है ना राजा भाई।
ईद के लिए जल्दी जल्दी करनी है, जल्दी अनलोड, जल्दी लोड वापस कर, ईद घर पे करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे हम ईद कैसे इंजॉय करते हैं। चलो भाई हमने भी गाड़ी इधर रखी है, अब करेंगे काम, फिर करेंगे आपसे फिर बात, तब तक के लिए कुछ आपको भी दिखाएंगे हम कहाँ रुके थे। सुमार था मेरे इस होटल के पास, अब राजा बजाएगा सब्जी वब्जी देने के लिए। रही ये गाड़ी, आपको मैं दिखा सकता हूँ गाड़ी का व्यू, ये ऊपर है जीटी रोड है ऊपर। ओ राजा भाई आ जा लेना सब्जी लाओ, और इधर ही पकाएंगे फिर निकलेंगे। हाँ तो इफ्तार तो हो गया, वैसे हो गया इफ्तारी, इफ्तारी अजान हो गई ना, अभी अजान भी हो गई। चलो भाई अब करेंगे काम, अब इधर से निकलेंगे और पकड़ेगा राजा भाई सब्जी, फिर निकलेंगे यहाँ से, फिर मिलेंगे आपसे आगे। जब यहाँ से निकलेंगे ना तभी आपसे फिर बात करेंगे कितने बजे हम निकलेंगे यहाँ से, वो टाइम भी बताएंगे। अभी बज गए शाम के 7:30 ये भाई का होटल है इधर। इधर हम पहले रुकते थे जब 6 चक्के लेके चलते थे ना दिल्ली, तब रुकते थे इधर। ये रही अपनी गाड़ी, वो ऊपर से है ना, वो जीटी रोड है, वो ऊपर से जो हाईवे वो जीटी रोड है वो ऊपर का। अब करेंगे काम, अब मैं राजा को उठाऊंगा, उसको बोलूंगा चलो लाओ। चलो भाई फिर करेंगे आपसे फिर बात, अब करेंगे जगह को भाई भाई, अब निकलेंगे यहां से, मैं चल रहा हूं गाड़ी पे, अब करेंगे काम, अभी निकलूंगा यहां से, रखूंगा अपनी राइट कंटिन्यू एक्सप्रेस पर, क्योंकि एक्सप्रेस पर तो हमको चलना ही चलना है। ये अपनी गाड़ी को स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि जब तक गाड़ी न्यूट्रल नहीं हो जाएगी। देखो अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी न्यूट्रल है ना, अच्छा स्टार्ट हो गई है। चलो भाई अब निकलेंगे यहां से, करेंगे जगह को भाई भाई, जगह को करेंगे भाई भाई। चलो भाई वहाँ से तो निकल कर आ गए, अब करेगा काम राजा भाई, अब बनाएगा सब्जी। लाया आधा केजी हमने मुर्गा लाया क्योंकि आज हमारा बड़ा दिन है, सिर्फ कदर है आज। चलो भाई हम भी चलेंगे कंटिन्यू, अभी रात को चलना है कंटिन्यू, अब उधर तक जहाँ तक पहुँचे। अभी चढ़े हम जीटी रोड पे, अभी तो हम थे ना उधर रिंक रोड पे थे, अब हम आ गए जीटी रोड पे, अभी पड़ेगा हमको आगे एक टोल। चलो भाई, ओ राजा भाई अब क्या करोगे आप काम? आप बनाएंगे ना, इंतजाम करेंगे डिनर का, अब डिनर का इंतजाम हो जाएगा। चिकन आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, बड़ा आज अपना बड़ा दिन है, शेफ का दिन है आज, आज हम करेंगे शेफ पूरी रात, आज हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो भाई पहुंचे इस जगह का नाम है सोनीपत, सोनीपत टोल पे जा, वहां से निकल कर आगे आ गए 10-20 किलोमीटर पहुंच गए अब सोनीपत टोल प्लाजे पे। ये आप देख सकते हो टोल प्लाजे का थोड़ा सा व्यू, कितना अच्छा टोल प्लाजा, और रोड भी देखो कितना अच्छा है। हम तो चलते हैं अपनी लाइन में, और हमारी स्पीड तो ये है ये आप देख सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे चलने में फ़ायदा है। चलो भाई हम भी अपनी लाइन तो छोड़ेंगे नहीं, हम भी राइट वाली लाइन में चलते हैं। शाम के टाइम में ज़्यादा राइट वाली लाइन में चलता हूँ क्योंकि राइट में पूरा बंद रखता हूँ, फिर एक ही साइड से नज़र रखनी पड़ती है लेफ्ट साइड में। चलो भाई आप ही देखो, अब हम टोल प्लाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गए, वो तो उधर की गाड़ियों को तो आपने देखा होगा किधर कट रहा है टोल, ये है ना टोल प्लाजे पे आम है सिमट का रोड। हम किस लाइन में घुसेंगे, हम किस लाइन में घुसेंगे, हम उस वाली लाइन में घुसेंगे, तो जो मारुति है ना इस वाली लाइन में घुसेंगे, इस वाली लाइन में घुसेंगे। चलो ये लाइन तो कंटिन्यू ही चल रही है भाई, चलो आगे हमारी आगे चल रही है इटास गाड़ी, पीबी नंबर की गाड़ी चल रही है। चलो भाई वो है आगे उधमपुर की गाड़ी, पता नहीं इसको बकरे लेने जाना होगा, ये बकरे की गाड़ी है, भेड़ बकरे की गाड़ी है। अब बिल्कुल टोल प्लाजे पे, चलो पहले तो इनका करता है टोल, ये टोल प्लाजे देखो डंडा कैसे उठेगा अभी इसका। चलो देखो, चलो 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 जल्दी भाई, क्यों नहीं हो रहा है स्कैन इसका, ओ इसने तो किया है ख़त्म, अब ये जाएगा रिवर्स क्योंकि इसका स्कैन नहीं हो गया। चलो हो गया स्कैन इसका भाई, अब हमारी बारी है, थैंक यू लिखा है ना, थैंक यू विजिट अगेन। चलो हमारे देखेंगे हमारा कितना क्विक होगा, आप देख सकते हो
चलो हमारा तो जल्दी हो गया, हमको रिवर्स जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा सिकियन तो क्विक होता है। ओ दादा दादा चला रहेगा, ये देखो टोल प्लाजा क्रॉस करके ये हरियाणा रोडवेज है, ये आप देख सकते हो हरियाणा रोडवेज, हरियाणा रोडवेज ये सबसे फास्ट भागती है ये गाड़ी। चलो भाई फिर करेंगे आपसे आगे फिर बात। वाह क्या नज़ारा है यार, देखो लाइटों को क्या हो रहा है, लाइटों को देखो क्या हो रहा है, लाइटों को देखो क्या हो रहा है यार। चलो भाई पहुंचे हम एक्सप्रेस रोड पे, अभी राजा भाई बना रहा है मेरी आंखों की हालत देखो, खाना ट्रेल करोगे ना पहले ये करो, देखो अभी ये प्याज और ये काट रहा है, अभी हम चढ़ेंगे कंटिन्यू है ना राजा भाई, अभी रुकेंगे आगे हम। यार मेरी आंखों में देख के इतना पसीना आ रहा है, ये आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं भाई को, देख खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है अपना। चलो भाई राजा भाई हम इधर पहुंच गए, ये बोर्ड भी इनको जरूर दिखाना है हम कहाँ पहुंच गए, इस पे लिखा होता है पलवल वलवल कहाँ से जाना, पलवल मानेसर पानीपत अम्बाला, जब यहाँ से गाड़ी आती है ना आगरा से फिर हम इधर से उधर जाते हैं। चलो भाई हम चलेंगे अपनी राइड कंटिन्यू, अब चलेंगे ये है एक्सप्रेस का रोड जो दिल्ली को गोल गोल घूमता है। चलो भाई हम रखेंगे अपनी राइड अब कंटिन्यू, आप देखेंगे आगे रुकेंगे कहीं, क्योंकि हम बनाएंगे पहले सब्जी है ना राजा भाई। चलो भाई फिर चलो भाई पहुंचे तो फैक्ट्री के पास है ना राजा भाई, कहाँ पहुंचे हम फैक्ट्री के पास, कितने बजे पहुंचे हम, अभी बज गए रात के 12 बजे पहुंच गए। अब भाई पहुंचे हम इधर फैक्ट्री के पास, क्योंकि हमने खाना वाना खाया था पीछे एक्सप्रेस पे, अब करेंगे काम भाई, अब सोएंगे हम इधर, अब सोएंगे हमने फैक्ट्री के गेट के सामने, बिल्कुल गाड़ी रखाई और कैमरे वैमरे लगे हुए हैं फैक्ट्री में, अब कूलर में पानी डाल के सोएंगे भाई। करते हैं आज का व्लॉग इधर ही एंड, चैनल पे नए आए हुए ना सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो अच्छी लगी ना तभी सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कुछ नहीं। चलो बैठते हैं, लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो और भाई को सपोर्ट करो और इंस्टा पे फॉलो करो, इंस्टा पे नाम है एंजायर मिस कश्मीर, उसको फॉलो करो ताकि बाकी हर कोई रील आप तक पहुंचे, जो हम रील बनाते हैं ना वो आप तक पहुंचे, बाकी लव यू टेक यू ऑल बाय।